दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं और 12 पास करने के बाद अगर आप बीएससी करने का सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्लास 12 के बाद अगर बीएससी करना है तो क्लास 12 में कितने परसेंटेज होने चाहिए और उसके साथ साथ बीएससी करने के क्लास 11th और क्लास 12th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, अगर ये दोनों बातें आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके मन में जो भी सवाल है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 12 के बाद बीएससी करने के लिए यानी कि बैचलर ऑफ साइंस का जो डिग्री कोर्स है उसे कंप्लीट करने के लिए आपके क्लास 11th और क्लास 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जब आप क्लास 10th पास करते हो तो उसके बाद आपको स्ट्रीम चुननी पड़ती है। आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, जो भी आप लेते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हो। लेकिन जब आप 12th पास करते हो तो उसके बाद आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम होती है। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे का कोर्स करते हैं। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि अगर बीएससी करना है तो क्लास 10th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो उसके लिए आपका क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम है तभी आप 12th के बाद बीएससी का कोर्स कर सकते हो। साइंस में दो ग्रुप होते हैं, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अगर आपका पीसीएम है तो आप बीएससी में मैथ्स ग्रुप ले सकते हो, अगर आपका बायो ग्रुप है तो आप बायो ही लेके बीएससी कर पाओगे। यानी कि अगर आपका पीसीएम है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 11th 12th में मैथ पढ़ा और आप सोचोगे कि 12th के बाद बीएससी में आप बायो ले लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बायो है तो आपको बायो ही लेना पड़ेगा, आपको मैथ्स नहीं मिलेगा। यानी कि जो सब्जेक्ट आप साइंस के जो भी ग्रुप क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ोगे सेम ग्रुप को आप आगे जाके 12th के बाद पढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि अगर बीएससी करना है 12th के बाद तो 12th में कम से कम कितने परसेंटेज होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है और इसे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी रहते हैं। बीएससी का कोर्स करने के लिए आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। जी हाँ, आपके अगर 50% है तभी आप बीएससी का कोर्स कर सकते हो। लेकिन रुकिए, मैंने अभी आपको पूरी बात नहीं बताई है, इसमें कुछ चीज़ों से फर्क पड़ जाता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उन्होंने एलिजिबिलिटी में दिखा दिया था कि हाँ भाई 10+2 में कम से कम 50% चाहिए। ये होते हैं जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका इसमें 5% या फिर 10% इसमें आपका कम हो जाए, यानी कि आपका क्लास 12th में 40% या 45% भी है तभी आप एलिजिबल हो, आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो आप क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हो। ये हो गए, बहुत सारे कॉलेज ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे आपको मिनिमम परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कहने का मतलब सिंपली अगर आप 12th क्लास पास भी हो तब भी आप उसमें बीएससी के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा जनरली वैसे ही कॉलेज में होता है जो कि गांव वगैरह में होते हैं या फिर जो शहर से दूर होते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि जो शहर के टॉप कॉलेज में उसमें अगर आपका 40% या फिर 50% से कम मार्क्स है आप उसमें एडमिशन ले लोगे तो दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी रीजन से आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आ गए हैं, जितने जरूरी है उससे कम आ गए हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आपके गाँव में या फिर थोड़ा सा आउटसाइड जाके जो भी वहाँ पे कॉलेज हो वहाँ से आप एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो ज़्यादातर कॉलेज होते हैं वो कम से कम 45% या फिर 50% मार्क्स की क्राइटेरिया रखते हैं। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी है जहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी और ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के डाउट्स दूर हो गए होंगे। आप कमेंट में ये करके बताएं कि आपके कितने परसेंट आए हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में, आप ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है। एक वीडियो मैंने बताई जिसमें मैंने आपको बीएससी की फीस वगैरह के बारे में बताया, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।